महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा कि साधक से सिद्ध बनकर मानवता की सेवा करते हुए समाज और राष्ट्रहित में योगदान देना हर विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य और भी खास हो जाता है, क्योंकि यह चिकित्सा की उस प्राचीनतम पद्धति से जुड़े हैं जो हर व्यक्ति को एक विशिष्ट रचना मानने वाली जीवंत चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद का अध्ययन व इसके बाद का कार्य स्वर्ण में सुगंध की स्थिति लाने वाला नोबल प्रोफेशन है। प्रोफेसर शुक्ल सोमवार अपराह्न महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद की सरगर्मित व्याख्या करते हुए प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि आज सर्वत्र एलोपैथ नहीं बल्कि मॉडर्न मेडिसिन की डिग्री दी जाती है। एलोपैथ रोग से मुक्ति तक केंद्रित है, जबकि आयुर्वेद रोग के निदान के साथ उन कारणों को भी खोजता है जिनसे आयु बल बुद्धि विवेक का होता है और जिनसे कष्ट मिलता है। सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति ही आयुर्वेद का लक्ष्य है। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन का विकास वास्तव में टेक्नोलॉजी का विकास है और ऐतिहासिक और सफलताओं के बाद भी इससे अपना रुतबा बना लिया है। कोविड संकट काल में पूरी दुनिया जान गई है कि इसके वायरस के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इलाज नहीं है, तब सिर्फ बचाव और जोर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि वायरस आइसोलेशन और सैनिटाइजेशन का ज्ञान आयुर्वेद में बहुत प्राचीन काल से है। चेचक, खसरा व छुआछूत की बीमारियों के होने पर नीम के पत्ते का इस्तेमाल इसी ज्ञान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार कोई ऐसा द्रव्य, वनस्पति, जीव या रचना नहीं है जिसका औषधि रूप में प्रयोग ना हो सकता हो। आयुर्वेद में एक ही द्रव्य से 7-8 प्रकार की दवाएं तैयार होती हैं। यह आयुर्वेद की ताकत ही है कि यूनाइटेड नेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा के रूप में फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के साथ अब स्पिरिचुअल हेल्प को भी स्वीकार किया है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे आयुर्वेद की संहिताओं के गुण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत का अध्ययन अवश्य करें। प्रोफेसर शुक्ल ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के मेडिकल एवं पैरामेडिकल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके पास अपने जीवन को गौरवशाली बनाने का महान अवसर है। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपकी शिक्षा किसी सामान्य प्रोफेशनल संस्थान की बजाय महायोगी गोरखनाथ के नाम से सृजित इस विश्वविद्यालय में हो रही है। अपने नाम के अनुरूप ही यह विश्वविद्यालय अति विशिष्ट है और यह गोरखपीठ की महान संत परंपरा के विचारों से अनुप्राणित हो रही है। उन्होंने कहा कि अपनी श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर विश्वास रखते हुए अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अच्छाइयों को भी स्वीकार करिए और समग्र चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम योगदान दीजिए। प्रोफेसर शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए पंच प्रण को भी अपनाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महायोगी विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि प्राचीन काल में हमारी सभ्यता बहुत उन्नत थी, आज हम सबके सामने उसे आगे बढ़ाने की चुनौती है। देश की गुलामी के दौर में, खासकर अंग्रेजी शासन काल में, शिक्षा को मूल्यों से दूर करने की कोशिश की गई। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस विसंगति को पकड़ा। उनका स्पष्ट मानना था कि हमारी शिक्षा दासता से मुक्त होनी चाहिए। मूल्य परक और राष्ट्रीयता आधारित शिक्षा के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक पौधा लगाया। आज यह विश्वविद्यालय उन्हीं के सद्विचारों को आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। प्रथम स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य DS अजीता, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉ. प्रज्ञा सिंह, डॉ. सुमित कुमार, डॉ. दीपू मनोहर, डॉ. पीयूष वर्मा, डॉक्टर SN सिंह, डॉक्टर जसोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन सांभवी शुक्ला व आशीष चौधरी ने किया, जबकि धनवंतरी एवं सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दीक्षा मांपी राय, साक्षी सिंह ने की। वंदे मातरम का गान मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा
आशमा खातून, स्वाति सिंह ने किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक व BAMS प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। सप्त दिवसीय व्याख्यानमाला के अंतर्गत 23 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से भारतीय सेना का अग्निपथ विषय पर सेवानिवृत्त मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल बाजपेयी विचार व्यक्त करेंगे।